गांधी मेरी निगाह में इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि वो एक आम आदमी की, एक साधारण नागरिक की एक कहानी है, एक आम हिंदुस्तानी जो कि अपने समय के सवालों को समझना चाहता है, उसके जवाब ढूंढना चाहता है, और इसलिए उस आम आदमी को एक नई तरह की ताकत की ज़रूरत है। तो गांधी उस नए तरीके, उस ताकत को खोजने की कहानी का नाम है। सबसे पहली बात यह है कि गांधी जैसे थे, गांधी बहुत इकहरे इंसान नहीं थे, गांधी रुके हुए इंसान नहीं थे, गांधी सीखते हुए इंसान थे, गांधी ने लगातार अपने को बदला है, गांधी ने लर्न किया, अनलर्न किया, रीलर्न किया। ये गांधी की काम की चीज़ है जो कि हमको आगे लेके चलनी है। आज जब देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर, जाति के नाम पर, आदमी औरत के नाम पर भेदभाव बढ़ाया जा रहा है, नए सिरे से पैदा किया जा रहा है, तो हमको बात करने की वो कला, बात करने की वो तरीका, वो भाषा फिर से पैदा करनी पड़ेगी, नए नए रूपों में पैदा करनी पड़ेगी, जिसकी एक शुरुआत, एक कोशिश गांधी ने की। हम नहीं कहते गांधी के किसी ब्लूप्रिंट की नकल मुमकिन है या ज़रूरी है, लेकिन गांधी की इस चिंता को सामने रखने की ज़रूरत है कि ये देश सबका है, ये केवल अमीरों का नहीं हो सकता, ये केवल जमींदारों का नहीं हो सकता, केवल उद्योगपतियों का नहीं हो सकता, हर किसी को एक सम्मान के साथ जीने का हक इस देश में है। हमको ऐसा विकास चाहिए, हमको ऐसी आर्थिकी चाहिए जो ये मुमकिन कर सके, जो हर किसी को तन ढकने के लिए कपड़े, एक इज्जत के साथ एक रोजगार, आजीविका ना दे सके, ऐसी आजीविका, ऐसी आर्थिकी, ऐसी विकास की किसी भी परिकल्पना को हम खारिज करते हैं, और इस खारिजी में, नया खोजने में गांधी मदद करते हैं। कभी किसी ने कहा कि गांधी मजबूरी का नाम है, गांधी मजबूरी नहीं, गांधी मजबूती का नाम है, और गांधी हमको उसी सीमा तक पसंद है जब तक वो हमको मजबूत बनाए। हम गांधी की नकल नहीं, एक असली गांधी, एक नए गांधी की खोज करते हुए आगे बढ़ें तो हमारे लिए कुछ नया निकलेगा, आज के सवालों के जवाब भी, और गांधी की एक नई परंपरा भी।